हेलो एंड वेलकम टू क्रिक मैश। तो क्या होगी इंडिया की प्लानिंग 2023 से 25 की WTC साइकिल के लिए? तो दोस्तों, WTC साइकिल 2021 से 23 का चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बन चुका है और इंडिया ने लगातार दो WTC फाइनल गवा दिए हैं और अब समय आ गया है इंडियन टेस्ट स्क्वाड में कुछ जरूरी बदलाव किए जाएं। इसी वेस्ट इंडीज दौरे से इंडिया की नई WTC साइकिल स्टार्ट हो रही है, जहां पे इंडिया को वेस्ट इंडीज से दो टेस्ट मैचेस खेलने हैं। अब सवाल ये उठता है, लगातार दो WTC फाइनल हारने के बाद इंडियन सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट कोई बड़े फैसले लेने को तैयार हैं क्या? ये तो समय ही बताएगा कि मैनेजमेंट कोई बड़े फैसले लेता है या नहीं। इस साइकिल में इंडिया को टोटल 19 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, जिसमें दो दौरे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस साइकिल में इंडिया को क्या बदलने की जरूरत है, वो 5 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है गुड इंडियन पिचेस। सबसे पहले इंडिया को बेहतर विकेट्स पर खेलने की जरूरत है। इससे फायदा ये होगा कि भारतीय बल्लेबाजों को बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा लंबे रन्स करने के लिए और ये कॉन्फिडेंस ओवरसीज टूर्स पर भी दिखाई देगा। वही सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो वो होगा प्रैक्टिस मैचेस। जी हाँ दोस्तों, ओवरसीज टूर्स पर एक दो प्रैक्टिस मैच इंडियन टीम को हर हाल में खेलने ही चाहिए। इंडिया ने साउथ अफ्रीका में आज तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है और ये इंडिया के लिए गोल्डन चांस रहने वाला है साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराने का। हालांकि पिछले दौरों पर इंडिया ने एक एक टेस्ट मैच जरूर जीता है साउथ अफ्रीका में, लेकिन अभी कोई टेस्ट सीरीज इंडिया के हाथ नहीं लगी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में तो इंडिया दो बैक टू बैक टेस्ट सीरीज जीत चुका है और इतिहास भी रच चुका है। वहीं थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो होगा बैटिंग शुड बी स्ट्रांग। इंडिया को बैटिंग में ज्यादा मजबूती दिखाने की जरूरत है। पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो इंडियन बैटिंग ने बहुत ही सफर किया है, चाहे आप ओपनिंग की बात कर लो या फिर मिडिल ऑर्डर की। चाहे वो पुजारा हो, विराट रहे हो, रोहित रहे हो या रहाणे रहे हो, सबकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। तो बैटिंग को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। पिछले 4 सालों में जो रन्स बने हैं इंडिया के, वो मेनली लोअर मिडिल ऑर्डर ने ही बनाए हैं। इसमें आपके ऋषभ पंत रहे हो, अश्विन रहे हो, जडेजा रहे हो या फिर शार्दुल ठाकुर रहे हो, ऐसे प्लेयर्स ने मिलके ज्यादा रन्स बनाए हैं इंडिया के मिडिल ऑर्डर से अगर कंपेयर करें तो। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो वो रहने वाला है इंक्लूजन ऑफ न्यू प्लेयर्स। नए प्लेयर्स को देखें तो कुछ खिलाड़ी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, जैसे यशस्वी जायसवाल एक अच्छे खिलाड़ी बनके उभरे हैं, IPL में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, घरेलू क्रिकेट में भी बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं वो। उनके अलावा सरफराज खान लगातार बहुत ही अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं वो। उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगभग 80 का एवरेज है, जो कि बहुत ही अच्छा एवरेज है। बड़े प्लेयर्स का जो एवरेज रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उसको भी बीट करता है ये एवरेज। तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प रहने वाले हैं मिडिल ऑर्डर में। और ऋषभ पंत जितनी जल्दी फिट हो जाए उतना बेहतर है इंडिया के लिए, क्योंकि उनकी कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है, उनका कोई विकल्प नहीं है फिलहाल इंडिया के पास। जैसे KS भरत है, लेकिन वो विकेट कीपिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग में उनका वो इंटेंट दिखाई नहीं देता जो ऋषभ पंत के पास था। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत जितने जल्दी फिट हो जाए उतना अच्छा है इंडिया के लिए। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो वो है फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस। इंडिया को बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी विकल्प खोजने की जरूरत है। फास्ट बॉलिंग में उमरान मलिक जैसे प्लेयर्स को और ग्रूम करना चाहिए। इसके अलावा एक दो ऑप्शंस और होने चाहिए इंडिया के पास, जैसे कुलदीप सैन एक फास्ट बॉलर है, और भी जितने भी घरेलू क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इंडियन टीम को ग्रूम करना चाहिए और 2 से 3-4 विकल्प अच्छे रखने चाहिए टेस्ट क्रिकेट के लिए। वही स्पिन डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट सेट है इंडिया का, जिसमें अश्विन, जडेजा, अक्षर, सुंदर जैसे प्लेयर्स क्रूशियल रहेंगे। तो दोस्तों, ये था WTC 2023 से 25 साइकिल का एक ओवरव्यू। आपको क्या लगता है, इंडिया को कौन से करंट प्लेयर्स को स्क्वाड से ड्रॉप कर देना चाहिए और कौन से नए प्लेयर्स को स्क्वाड में ऐड करना चाहिए, वो कमेंट करके जरूर बताएं। अपने अगले वीडियो में इंडिया का क्या स्क्वाड रहना चाहिए इस WTC साइकिल में, वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्रिक मैश को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।